हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज मैं आपको बहुत ही प्यारी सी लड्डू गोपाल की ड्रेस बनानी सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हम शॉल बनाएंगे और शॉल के अंदर ही हम कैप बनाएंगे। तो देखिए, दो कलर का मैंने कॉम्बिनेशन लिया है। आप किसी कलर में भी आप इसको अपनी चॉइस से बनाइएगा, ये बहुत ही सुंदर बन के आएगी और ये बनाने में बहुत ही आसान है। ये खास बिगनर्स के लिए है जो अपने लड्डू गोपाल को ड्रेस पहनाना चाहते हैं लेकिन उनको नहीं बनानी आती। तो ये बिल्कुल ही सिंपल है, इसमें कोई हमें चोली नहीं बनानी, कोई हमें घेरा नहीं बनाना, शॉल और कैप है और बहुत ही ये यूनिक लगती है देखने में। तो फ्रेंड्स, देखिए, डिजाइन को समझने के लिए प्लीज वीडियो को आप एंड तक देखिए। इसके लिए मैंने 9 नंबर की नीडल का मैंने इसमें यूज किया है, ये देखिए, और सिंपल मैंने इसमें 60 फंदे डाले हैं। अगर आपको बड़ी बनानी है तो आप फंदे ज्यादा डाल लीजिए। ये 3 और 4 नंबर के कान्हा जी के को आराम से आ जाएगी। तो देखिए, 30 फंदे बिल्कुल सिंपल डालने हैं, सिंगल धागे से जैसे आप डालते हैं वैसे ही डाल लीजिए। उसके बाद फिर हम इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये देखिए, सारे ही फंदे आप उल्टे उल्टे बना लीजिए। ऐसे ही हमने सारे इसको दोनों तरफ से उल्टा उल्टा इसको बनाना है। तो इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, पूरी रो हमने उल्टे उल्टे बना के इसको कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी सीधी साइड है। अब हम आ गई हैं दूसरी सिलाई में और उल्टी सिलाई में। यहां से देखिए, मैंने इसमें सेकंड कलर इसमें लगा लिया है। आप जो भी कोई कलर लगाओ आप लगा लीजिए। और आपको सिंगल कलर से अगर आपको शॉल बनानी है, ये मैंने बाउंड्री के लिए रखा था, अंदर मैं इस दूसरे कलर से बनाऊंगी। देखिए, इसको भी हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये धागे आप यहां से टाइट कर दीजिए। दूसरी सिलाई से हमने इसमें अपना कलर लगा लिया है, ये देखिए। इस पूरी रो को हम कंप्लीट करेंगे। ये पूरी रो हमने कंप्लीट कर ली है। देखिए, लास्ट वाले को आप ऐसे सीधा बनाइए। अब हम आ गए हैं सीधी साइड में, तो इसको भी हमने ऐसे उतारना फर्स्ट वाले को, और आगे अब हमने ऐसे उल्टा उल्टा बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी एक लाइन बनेगी। ये जैसे नीचे बनी है तो ऐसे ऐसे हमने इसमें जब दो रो उतारेंगे, जब एक लाइन हमारी ये बनेगी, तो इसमें मैं ऊपर 8 लाइन बनाऊंगी। 8 लाइन बनाने के बाद फिर मैं आपको ऊपर का बताऊंगी। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, आप भी कर लीजिए। ये ऐसे 8 लाइन हमने बनानी है, उसके बाद फिर मैं आपको ऊपर का बताऊंगी। ये देखिए, ये हमारी ये किनारे का उतारने के बाद फ्रेंड्स, ऐसी आपके किनारे की फिनिशिंग आएगी। ये देखिए, मैंने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रो मैंने इसमें उतार ली है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमारी ये नीचे बाउंड्री है ऐसे ही अब हम ऊपर बनाएंगे। तो धागा मैंने इसको साथ के साथ आप इसमें ले लीजिए, मैंने साथ के साथ चलाया है। और अगर आपको यहां से काटना है, ऊपर जोड़ना है, तो आप वो भी कर सकते हो। अब फिर हमारी रॉन्ग साइड है, तो यहां से हम अपना दूसरा कलर फिर से इसमें लगा लेंगे।
ये देखिए, तो इस रो को मैं यहां तक उतार लेती हूँ, उसके बाद में आपको ऊपर का बता। ये देखिए पूरी रो हमने कंप्लीट कर ली है। इसको हम इस बार, क्योंकि हमने कलर लगाया है, तो ऐसे ही बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये एक कलर हम एक रो हमने उतार ली है। अब हमें क्या करना है, अब ये सारे ही फंदे हम बंद कर देंगे। दो का एक किया, वापस डाला, फिर से दो का एक किया। ये देखिए सारे ही फंदे हम वाइंड कर देंगे, फिर से वापस डाला और इसके साथ दो का एक कर दिया। ये देखिए ये सारे ही फंदे हम बंद कर लेंगे। जैसे ही हमारे नीचे है, ऐसे ही ऊपर हमारी ये बाउंड्री बन जाएगी। तो मैं इनको बंद कर लेती हूँ, फिर हम इसके बाद इसमें कैप बनाएंगे। ये देखिए ये हमने सारे ही फंदे बंद कर लिए। इसको भी हम इसमें से निकाल के ऐसे पक्का कर देंगे। ये देखिए लड्डू गोपाल की ये हमारी शॉल बन के कंप्लीट है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी इस तरह से इसकी ये लुक है। तो ये हमने बना ली है। ये एक्स्ट्रा धागे हम कट कर देंगे, बाद में हम इनको अंदर, या तो आप क्रोशिया से अंदर सेट कर दीजिए या यहाँ पे पक्का करके काट दीजिए। ये देखिए ये हमारे दोनों तरफ से बिल्कुल एक जैसी बनी है। अब हमने इसको फ्रेंड्स फोल्ड करना है। अब हम इसकी कैप बनाएंगे। तो देखिए ऐसे हमने इसको फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे हम 20 फंदे उठाएंगे। यहाँ पे हम अपनी कैप बनाएंगे बिल्कुल बीच सेंटर में, तो यहाँ पे हम इसमें 20 फंदे उठाएंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स आप क्या करिएगा, आप मार्कर लगा लीजिए दोनों साइड, या तो आप सुई धागे से यहाँ पे कोई पहचान बना लीजिए, या कोई जैसे मैंने सेफ्टी पिन लगाई है ऐसे ही आप मार्कर लगा लीजिए। ये देखिए बिल्कुल बीच सेंटर में ये हमारे बिल्कुल यहाँ पे इक्वल है। अब यहां से हम फंदे इसमें उठाएंगे। देखिए यहां से हम इसमें फंदे उठाएंगे फ्रेंड्स, और अपनी हम यहाँ पे कैप बनानी यहाँ से शुरू करेंगे। तो ऐसे हम इसमें फंदे उठाएंगे यहाँ से। ये जो बिल्कुल ऊपर की आपको चैन दिखाई देगी, ये देखिए ये बिल्कुल आपको ये दिखाई देगी चैन। ये देखिए ये नजदीक से देखिए, इसमें से आपने फंदे उठाने हैं। तो देखिए ऐसे डाल लेंगे हम इसमें एक फंदा, हम ऐसे बना लेंगे। इसकी फ्रेंड्स आप यहाँ पे नीचे नोट लगा दीजिए ताकि ये हमारा निकले ना। इसको आप यहाँ पे ऐसे पक्का कर दीजिए। अब देखिए दूसरा फंदा हम यहाँ से ऐसे निकालें, दो तीन चार पांच, ऐसे ही मैं यहां तक इसमें 20 फंदे उठा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको ऊपर का बताऊंगी। ऐसे ही आपने फंदे उठाने हैं। देखिए सारे ही फंदे हमने यहाँ पे उठा लिए हैं। तो 20 फंदे मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स उठा लिए, आप देख सकते हो। दो दो गिनूंगी मैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये 10। और एक मार्कर हमने यहाँ लगाया था, एक मार्कर हमने यहाँ लगाया था। अब हम इनको निकाल देंगे और अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। देखिए तो इसको हम उल्टा उल्टा बनाएंगे, जैसे हमने नीचे बनाया है ऐसे ही हम इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स ये।
ये देखिए, एक लड्डू गोपाल को नहीं फ्रेंड्स, आप किसी भी देवी देवता को आप इसको बना के अपने साइज का पहना सकते हो। कैप और शॉल है नीचे, आप कोई भी फैंसी आपने ड्रेस पहनाई है तो ऊपर आप ये डाल सकते हो। ये देखिए, इसको आप और टाइट कर लीजिए। इस मार्कर को भी हम निकाल देंगे। ये खाली हमने फ्रेंड्स पहचान के लिए लगाया था ताकि हमारी कैप बिल्कुल बीच सेंटर में बने। ये देखिए, एक रो हमने इसमें उतार ली है। अब हम इसमें ऐसे ही इसमें ऊपर बनाएंगे। तो इसमें फ्रेंड्स मैं 6 लाइन बनाऊंगी जैसे मैंने नीचे बनाई है उल्टी उल्टी। ये देखिए, तो मैं इसमें ये 6 लाइन बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको ऊपर का बताऊंगी। देखिए, 6 लाइन मैंने यहाँ पे उतार ली हैं। अगर ये एक लाइन गिनो तो ये 6 हैं, और अगर रो गिनोगे आप तो ये 12 रो मैंने बनाई है। अब देखिए हमें क्या करना है, ये हमारे 20 फंदे हैं फ्रेंड्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, और 10 फंदे हमारे इस साइड हैं। हम इनको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, ये राइट साइड हमारी अंदर है, ऐसे हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, अब हम ये सारे ही फंदे बंद करेंगे। तो बंद कैसे करेंगे आप देख लीजिए, एक फंदा इस साइड से लेंगे और एक बार इसमें लेंगे। ये हमने, ये देखिए, 2 का 1 बना लिया। अब एक बार और हम लेंगे, ये हमारे पास 2 फंदे हो गए। इसको हम इसके ऊपर से उतार देंगे। अब देखिए, एक ही लेंगे, एक इसमें लेंगे, दोनों में से एक एक फंदा हमने लेना है। और ये पीछे वाला है, इसको इसके ऊपर से ऐसे उतारना है। ये सारे ही फंदे हम यहाँ पे बंद कर लेंगे। देखिए, अगर फ्रेंड्स आपको कैप बड़ी बनानी है तो आप इसमें बड़ी बना लीजिए, 2 रो और ज्यादा उतार लीजिए। ये देखिए, सारे ही फंदे हम ऐसे बंद कर लेंगे। ये देखिए, और ये लास्ट वाले को भी हम ऐसे पक्का कर देंगे। इसको हम धागे को काट देंगे और इसको हम यहाँ पे पक्का कर देंगे। इसको फ्रेंड्स सुई में डाल के आप अंदर ही कहीं पे इसको आप सेट कर दीजिए। अब ये देखिए, ये हमारी कैप बनके तैयार है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हम इसको अपने लड्डू गोपाल को ऐसे हम इसको उड़ाएंगे। और आप इस शॉल पे आप कोई भी, आप कुछ भी डेकोरेट की चीज लगा सकते हो। और यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक पोम पोम लगाऊंगी, इस कलर का लगाऊंगी, मैरून कलर का यहाँ पे। और देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो ये है, आप अगर क्रोशिया आपको आता है तो आप क्रोशिया से इसकी बाउंड्री बना दीजिए, या जैसे हमने फंदे यहाँ नीचे उठाए थे वैसे ही आप इसमें फंदे उठा के आप इसकी भी बाउंड्री बना दीजिए। मैं आप एक बार दिखा दूं आपको, ये देखिए, अगर क्रोशिया आता है तो क्रोशिया से बनाइए, लेकिन अगर किसी बहन को क्रोशिया नहीं आता
तो आप ऐसे बना लीजिए। ये आगे से भी फिर हमारी ये ऐसे ही इसकी लुक आएगी। बिल्कुल आप इसके टच करके यहां से आप उठाइए ताकि बिल्कुल इस कलर में हमारा ये मैच हो जाए, जैसे इसके साथ ही ये बनी हुई है। ये देखिए, यहां से आप फंदा उठाना शुरू कीजिए। एक बार मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, यहां से हमने फंदा निकाल लिया। इसको आप यहां पे टाइट कर दीजिए। बिल्कुल इसके किनारे किनारे से हम ऐसे ही इसमें फंदे उठा लेंगे। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, मैं ये यहां तक उठा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको ऊपर का बताऊंगी। ये देखिए, ये लास्ट वाला फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल इसको जो हमारी बाउंड्री यहाँ पे आपने टच करना है, जैसे हमने यहाँ पे उठाया था। तो देखिए, इस बार मैंने फ्रेंड्स इसमें फंदे उठाए हैं 16, 20 थे क्योंकि ऊपर से हमारी कैप की शेप आएगी, नहीं तो आगे से आप ये चौड़ी चौड़ी बन जाएगी। तो ऐसे हम इसको बना लेंगे। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए इसी रो में हम इसको बंद कर देंगे। ध्यान से देखिए, एक बार हमने फंदे उठाए हैं और इसी रो में हम इसको बंद कर देंगे। या आप एक रो उतार लीजिए फिर आप इसको बंद कर दीजिए, वो भी मैं आपको एक बार दिखा दूं, आपकी चॉइस है। छोटी सी हमारी यहाँ पे बाउंड्री बन जाएगी। आप इसको ऐसे उतार के और अगली रो से आप इसको बंद कर दीजिए। और अगर आपको क्रोशिया आता है तो आप क्रोशिया से इसको बना लीजिए। ये देखिए, इस साइड भी हम बिल्कुल हमने इसके टच किया है। अगर आपको ये गैप लगे तो आप एक फंदा और बिल्कुल इसके किनारे से आप उठा के आप ऐसे बना सकते हो। ये बिल्कुल हमारी यहाँ पे टच होनी चाहिए। एक दो फंदा अगर कम बत्ती हो गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए, ये बाउंड्री हमारी बन गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन फंदों को बंद कर देंगे। दो का एक किया, फिर से दो का एक किया। ये देखिए, सारे ही फंदे हम बंद कर देंगे। तो मैं फंदे यहां तक बंद कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको सीधा करके दिखा। देखिए, सारे ही फंदे हमने बंद कर लिए। इसको भी हम इसमें से निकाल के पक्का कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये आगे की हमारी कैप की बाउंड्री बन के तैयार है। ये देखिए, अब आप इसकी लुक देखिए। तो यहां पे भी फ्रेंड्स मैं वो लगा दूंगी, पोंप पोंप लगा दूंगी। ये सारे एक्स्ट्रा फंदे मैं बाद में फिनिशिंग करूंगी जब मैं काट दूंगी। तो ये देखिए, ऐसे इसकी सुंदर सी इसकी लुक आई है। तो फ्रेंड्स, आप इसको यहां से भी ये लगा के, पोंप पोंप लगा के दूसरे कलर के, आप इसको यहां से भी डेकोरेट कर सकते हो शॉल की तरह। और यहां पे भी मैं लगाऊंगी ऊपर, और बीच में भी अगर आपको कुछ इसमें लगाना हो, ये देखिए, तो बीच में भी आप इसमें कुछ भी आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप एक बार इसको जरूर ट्राई करना, बहुत ही सुंदर ड्रेस लगेगी। और फ्रेंड्स, आपको ये डिजाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और फ्रेंड्स, एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में नए डिजाइन के साथ हैं। थैंक यू।